आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और अब भोपाल से आपको छठ घाट से तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संजय डोंगर डिबे जुड़ गए हैं। संजय डोंगर डिबे, आज तीसरा दिन है छठ का, क्या कुछ छठ घाट पर तैयारी है हमारे दर्शकों को दिखाइए और जो व्रती है उनसे भी बात कीजिए कि क्या कितना महत्व है इस छठ पूजा का। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, काफी बड़ी संख्या में एक मेला सा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसके बाद देखा जाए तो आम जनों की बात कही जाए या व्रतियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में व्रती पहुंची हैं। और अब जिस प्रकार से सूर्य देवता की पूजा करने को लेकर बात की जाए तो सूर्य देवता को जिस प्रकार से बताया जाता है कि आज सूर्य को अर्घ देकर ये व्रत अपना समाप्त करते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे आज बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। अब जब सूर्य अस्त हो गया है तो जो व्रती है वो अपने अपने व्रतों को लेकर यहाँ पे आज पहुंची है और बड़ी संख्या में इस घाट पर आप देखिए जो पानी में अर्घ खड़े होकर अर्घ देने की बात आती है कि जब सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूरे पंडाल की बात की जाए या पूरे हम बात कर सकते हैं पूरे पांच नंबर तालाब की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें पांव रखने तक की जगह नहीं देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि पूरी जगह जिस प्रकार से देखा जाए तो हर जगह जो व्रती हैं वो अपने व्रत को पूरा जो कहते हैं 48 आवर्स का जो व्रत है उसका पूरा करने के बाद आज जब अंतिम जो पूजा होती है और कल सुबह जो अर्घ देने आएंगे तो उसके लिए यहाँ पर आज पूजा की पूरी तैयारियां कर ली गई है। और कुछ ही समय में जब सूर्य देवता और जब आगे से जो सामने तालाब के पास की जब भीड़ हटेगी तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने अपने इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पहुंचेंगे और पूजा करेंगे। अगर यह बात की जाए तो यहाँ बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, न्यू भोपाल की बात करी जाए तो न्यू भोपाल की काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और पूजा करने में मग्न है। अगर यही की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो व्रती है वो अपना जो जो व्रत है जिसे कहते हैं या कहा जा सकता है प्राकृतिक पूजा को लेकर भी कहा जाता है, समृद्धि के लिए भी कहा जाता है, परिवार के साथ साथ देश प्रदेश की उन्नति के लिए भी ये उपास की बात करते हैं कि ये देश प्रदेश में शांति बनाए रहे और हमारे देश की प्रदेश की उन्नति होती रहे, परिवार के साथ साथ देश प्रदेश की भी उन्नति को लेकर ये व्रत रखा जाता है और एक प्राकृतिक पूजा के रूप में पूजा जाता है। तो आज इस पूजा को लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है और अपनी अपनी पूजा में मग्न है। यही अगर बात की जाए व्रती ही नहीं, व्रती के साथ साथ इनका पूरा परिवार भी यहाँ पे उपस्थित हुआ है और इस पूजा में पूरे परिवार का सहयोग लेकर यहाँ पे आज पूजा करने पहुंची हैं। कुछ व्रती हैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ कि व्रत का क्या महत्व है और किस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। क्या नाम है आपका? अनीता प्रजापति। अनीता, आज ये व्रत किया है, क्या महत्व है इसका? बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन का ये, और बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारे लिए। आज अगर महत्व माना जाए तो आज शाम को आप किस प्रकार की पूजा अर्चना करेंगे यहाँ पे? अभी सूर्य भगवान जी को अर्घ देंगे, उसका सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, फिर हमारी पूजा पूरी क्लियर होगी। काफी लंबा समय का व्रत होता है? हाँ जी, बहुत लंबा समय का, 24 तीन दिनों का त्योहार चलता है ये, एक छोटी छठ फिर बड़ी छठ, आज सबसे बड़ी छठ है हमारी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या, अगर क्या कहा जाए कि कहाँ यहाँ पे बुजुर्ग कहा जाए, क्या यंग कहा जाए, सबने अपने अपने व्रत को यहाँ पे कामयाब बनाने के लिए पूरी तैयारी और पूरे परिवार की बात की जाए तो पूरा परिवार आज इसमें उपवास में इनके साथ है और इस पूजा में शामिल हुआ हुआ है। जी बिल्कुल संजय जी, यदि छठ गीत की बात करें, छठ गीत के बिना छठ एक अधूरा सा होता है। जो व्रती आपके सामने है उनसे छठ गीत गाने को भी बोल दीजिए। बिल्कुल कविता, मैं अभी कुछ पूजा कर रहे हैं उनसे ही बात कर लेता हूं। अगर वो छठ गीत गाने के लिए बात की जाए तो छठ गीत गाने, क्योंकि कहते हैं कि छठ गीत के बिना अभी भी, क्योंकि यहां पर जहां पे भी ये प्रदर्शन और जहां पर भी ये पूजा का आयोजन किया जाता है वहां ये छठ माता की पूजा का भी आयोजन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और अगर यही की बात करूं आपको मैं बिल्कुल छठ गीत के लिए बात करता हूं किसी से कि अगर छठ गीत अगर इसमें कोई होता है तो वो आपको बिल्कुल सुनाएंगे। एक मिनट, आप सुनाएंगे? आता ही नहीं। एक मिनट में एक जा रहा हूँ व्रती के पास, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ, अगर वो बता दे छठ पूजा में उनको कोई याद हो तो। आपको छठ गीत याद है? ठीक है संजय, ठीक है संजय, आप बने रहिएगा। छठ का अंधन लक्ष्मी मान बढ़ाइए निर्मल काया जी, बालक के रख भैया करी है छठ कर भाई जी, कहथिन रानी देवी सुन स्वामी हम रोजी, कहथिन रानी देवी सुन स्वामी हम रोजी।
कार्तिक माह से लागल बरतिया छठ कर भई जी कहतिन सतीश देव सुन धनिया। बहुत ही सुंदर गीत संजय, संजय आप बने रहिएगा। सतीश देव सुन धनिया हम रोजी कोना फल्ला दी ताली है छठ कर भई जी। कविता देखिएगा ये सारी, अगर हम कहा जाए तो छठ पूजा को लेकर जी जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहेगा संजय, आप सीधे रुक करेंगे स्वाति का।